वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स में, जिसमें जय मल्होत्रा आपका ये फिर से स्वागत करता है। अभी तक हमने इस वाले पार्ट में 5 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें बेसिकली एमिटी के ऊपर हमने 3 वीडियोस बनाने का सोचा था, जिसमें से 2 वीडियोस हम बना चुके हैं और उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और मे भी अभी भी मेरा रेट ऑफ स्पीच के लिए मुझे अभी भी बोला जा रहा है और मेरे वॉइस के लिए बोला जा रहा है कि शायद क्लियर नहीं है, तो इसी के लिए मैंने काम करते हुए माइक का काम दोबारा से चालू किया है और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वॉइस पे रेट ऑफ स्पीच पे भी कंट्रोल कर सकूँ। सो आपके ऐसे ही कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्रोवाइड करते रहें अपने फीडबैक, जिसके थ्रू मैं कुछ अच्छा कर सकूंगा। ये शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी तक हमने एमिटी के ऊपर 3 पार्ट बनाने का सोचा था, जिसमें से एक पार्ट में हमारे ये था कि एमिटी में जो एडमिशन होता है उसमें मॉर्निंग और इवनिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें हमने ये बताया था कि एमिटी के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसके साथ साथ अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो प्री प्लेसमेंट टॉक्स में क्या होता है, GD में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे टाइप की कंपनीज आती हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये पर्टिकुलरली मैं सिर्फ नोएडा ब्रांच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पास आउट नोएडा से हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। सो आपको जैसी कंपनी में बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 कंपनीज आती हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, और वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज ऑफर करती हैं। पैकेज की रेंज स्टार्ट होती है वहाँ पे 2.5 से 7.5 तक, और कभी कभार ये भी चांसेस होते हैं कि उससे भी ऊपर जाते हैं पैकेजेस। सो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपना थर्ड ईयर में ही माइंड मेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अपनी कैंपस, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेनी है, आप अपना सोचते हैं कि आप अपने एक्सटर्नली आप ज़्यादा अच्छा ले पाएंगे, तो ये थोड़ा सा एक मिथ हो जाता है बच्चों को आजकल कि आपको कैंपस प्लेसमेंट में बल्कि ज़्यादा पैकेज ऑफर होता है, और आपको जो नॉर्मल आप अपने थ्रू अपने सोर्स के थ्रू आप जॉब ढूंढने निकलते हैं तो आपको कम पैकेज ऑफर होता है। ऐसा नहीं कि सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैंपस प्लेसमेंट और उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो मैं आपको पैकेज के वेरिएशन के थ्रू भी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरी ग्रोफर्स में कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, तो उस टाइम मेरा करंटली पैकेज था 3,20,000, वो भी मैंने आपको इन हैंड बताया है। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी कोर फील्ड में ट्राई किया, देन उस टाइम मुझे उन्होंने बिल्कुल एज अ फ्रेशर ही कंसिडर किया, उन्होंने ग्रोफर्स का एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं किया। उस एक्सपीरियंस को काउंट ना करने की वजह से उन्होंने मेरे को सिर्फ और सिर्फ पैकेज ऑफर किया 2,90,000 का, जिसमें आफ्टर डिडक्शन होने के बाद वो मेरे को 2,30,000 ही इन हैंड आ पाता था। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने 2018 से लेके 2020 तक 3 जॉब चेंज करी हैं। फर्स्ट जॉब मेरी कैंपस प्लेसमेंट में थी, जो कि ग्रोफर्स में थी। सेकंड जॉब मेरी खुद की थी, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड से था, और सबको लगता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं उनको अपने ही फील्ड में एक बार काम करना चाहिए। सो उसका टेस्ट करने के लिए मैंने मैकेनिकल फील्ड में जंप किया, जहाँ पे मुझे स्लाइटली पैकेज थोड़ा सा कम मिला, लेकिन मेरे को कंफर्ट बहुत मिला। मेरी थर्ड जॉब, अब मेरी थर्ड जॉब विप्रो में है, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और पैकेज मेरे को इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऊपर हाइक मिला है। सो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी होती कि आपको हाइक नहीं मिलेगा, आपका फ्यूचर कुछ नहीं होता है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जॉब सबके लिए अवेलेबल होती है, जॉब्स की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती। अगर जो कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, आजकल इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जॉब्स नहीं हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जॉब्स हर किसी को मिलती है और वो इजीली मिलती हैं, आप बस ढूंढने वाले होने चाहिए, आप लिंक्डइन पे एक्टिव होने चाहिए, naukri.com पे एक्टिव होने चाहिए, आपको एन नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर होती रहती हैं। बात करते हैं हमारे ग्रोफर्स में इंटरव्यू की। सो हमारा ग्रोफर्स में इंटरव्यू क्या हुआ, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे थे, कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हमारा वो सिलेक्शन क्या होता है, GD में मेरा टॉपिक क्या था, और कितने सारे हम बंदे एक ही प्लेसमेंट में बैठे थे और कौन कौन से डिपार्टमेंट के हम बैठे थे। सो कि जैसे कि ग्रोफर्स आपको पता है कि एक ये FMCG कंपनी है, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए स्पेसिफाई है, सबके लिए। मैकेनिकल वाले भी थे इसमें, सिविल वाले भी थे, IT वाले भी थे, इवन दूसरी ब्रांचेस के भी थे, BA BCOM वाले भी बैठे थे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ग्रोफर्स आई थी तो ग्रोफर्स के जो राउंड्स थे उसमें सबसे पहला राउंड था एप्टीट्यूड टेस्ट का। जो भी लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं उन सबको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से उसमें जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं उसमें से कुछ लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ का क्लियर होता है और कुछ का क्लियर नहीं होता है। जिनका क्लियर नहीं होता है वो अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं और उस एप्टीट्यूड की कोशिश करते हैं कि क्लियर हो सके। देन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारा होता है एक GD राउंड। उस GD राउंड में हमसे मल्टीपल टॉपिक्स पे, और सब ग्रुप्स को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है बोलने का। मेरा जो GD राउंड था वो था मेरा 10 बंदों के बीच में, जिसमें से हम 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। उन 3 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट राउंड होता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसमें उनसे हमने एक रिटन टेस्ट हमसे उन्हें लिया था,
जिसमें उन्होंने एक हमसे लेटर लिखवाया था, लेटर ऑफ अपॉलॉजी, कि हम कस्टमर को कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे हम उनको अपॉलॉजी करेंगे इन केस हमारे एंड से कोई गलती होती है, मतलब हमारे एंड से नहीं ग्रोफर्स के एंड से इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद वो हमसे सिर्फ एक दिन का टाइम मांगते हैं, जिसके अंदर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हमारा होता है या नहीं होता है वो हमें कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू बता दिया जाता है। देन उसके नेक्स्ट डे हमारी सबकी ज्वाइनिंग थी, ज्वाइनिंग उनकी बहुत ही स्मूथ होती है, और मैं कहता हूँ कि ग्रोफर से अच्छी ज्वाइनिंग किसी की होती ही नहीं। आपको फर्स्ट डे उन्होंने नया नया लैपटॉप प्रोवाइड किया था, देन लैपटॉप प्रोवाइड करने के साथ आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं जो कि वो कर सकते हैं और अपने एंड से करते भी हैं। देन उसके बाद उनकी एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उस ट्रेनिंग प्रोसेस में एक उनका टेस्ट होता है लास्ट में भी, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपकी ट्रेनिंग हुई तो फ्राइडे को आपको एक टेस्ट होगा, जिसको आप क्लियर करके आप उनके आगे फ्लोर पे जा सकते हैं। ग्रोफर्स का हायरिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है और बहुत ही स्मूथ है। इसमें आपको अगर ये देखा जाए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको ईजिली क्रैक कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ग्रोफर्स में आपका हायरिंग प्रोसेस बहुत टफ है। सो मैं इसके बारे में आपको और आगे बताता हूँ कि नेक्स्ट जॉब थी मेरी डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स में, जो कि थी मेरी प्रॉपर कोल फील्ड, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड से था। सो मेरा मन था एक बार कि मैं अपनी फील्ड में भी ट्राई करूँ, क्या पता मैं अपनी फील्ड में इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, क्योंकि मैं अपना टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करना चाहता था। मेरी सेकेंड कंपनी थी डी डेवलपमेंट इंजीनियर, जिसके अंदर मैंने काम करते हुए बहुत कुछ सीखा, और इधर मेरा डिपार्टमेंट था कॉस्ट एस्टिमेशन डिपार्टमेंट, जिसका ओरिजिनल नेम था मार्केटिंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद मुझे इस लाइन में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स मिली, और इसी लाइन में ओपनिंग काम करते करते मुझे विप्रो में भी काम मिला। देन मेरी थर्ड जॉब थी विप्रो में, जिसको मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, और यहाँ भी मेरा सेम काम ही है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप मार्केटिंग मैकेनिकल इंजीनियर के होके और इनके सब मार्केटिंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको कोई लॉस होता है। दोस्तों आप ये चीज़ समझ लो कि आजकल के टाइम में एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के बिना लाइफ ही नहीं है लगता है आजकल। तो इसीलिए अपने एक्सेल नॉलेज की स्किल्स को बहुत 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 ब्रशअप रखो, एक्सेल के बिना आजकल कुछ पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी की डिमांड है कि आपको एक्सेल आना ही सही है। चाहिए। वापस आते हैं अपने एमिटी के टॉपिक पे। उस एमिटी के टॉपिक पे आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि प्लेसमेंट की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। आपको अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखना चाहिए, एप्टीट्यूड के साथ साथ आपको अपनी नॉलेज भी स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेंगे या आपसे हमेशा कंफर्म करेंगे कि आपको क्या टॉपिक पसंद है, कि क्या बुक्स आप पढ़ के आए हैं। उसमें उनको जो मर्जी आएगी वो आपसे वो पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको जीडी क्रैक करना, जिसमें 90% बच्चे फेल हो जाते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिएगा। अपने आप से बात करते हुए लोग आपको भले ही पागल बोले, लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होता है। उस कॉन्फिडेंस के आप बहुत कुछ आगे कर पाएंगे और बहुत सारे जीडीज आप नॉर्मली क्रैक कर पाएंगे, जिन जीडीज की वजह से आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हैं, जिसमें आप बहुत लेवल के अच्छे होते हैं लेकिन आप सिर्फ अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उन जॉब को लूज कर देते हैं। तो आप कोई भी ब्रांच के हों, किसी भी बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपकी प्लेसमेंट 100% श्योर है। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स को भी अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हुई, भले ही किसी फील्ड में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन आपको ये है कि जॉब्स आपको 100% मिल ही जाती हैं। और बात रही इंटर्नशिप की भी, तो कॉलेज के टीचर्स इतने सक्षम हैं कि आपके लिए वो इंटर्नशिप भी अरेंज कर देते हैं। इनकेस अगर आप खुद अपने साइड से करना चाहते हैं इंटर्नशिप, तो उसके लिए भी आप सक्षम हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को थोड़ा भी आपको अगर समझ में आया और आप उसको समझते हैं कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेटिव हो सकती थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइए कि मैं इस टॉपिक में और क्या क्या डाल सकता था। इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उसके साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन केस पॉसिबल हो सकता है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, खासतौर पर एमिटियंस, अपने एमिटियंस के साथ पूरे शेयर कीजिए, क्योंकि एमिटी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसमेंट, जिसके लिए सब एडमिशन लेते हैं। एमिटी में प्लेसमेंट, एमिटी में एजुकेशन, इन सबका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये हमारे तीनों पार्ट में कवर होता है। सो इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए। एंड लास्ट बात कि आप सब घर पे रहिए, कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ऑल ओवर द इंडिया आपका 29,000+ केसेस हो गए हैं, इसको आप रोग घर पे रह के ही कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़